हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुत ही बार कम वीडियो बना रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ये देखिए, बीपी हमारी 200 कर गई है, शुगर हमारी 500 हो गई है। इसी वजह से हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है। मस्जिद और नाम उतार देखिए, हमारा दवाई हर दिन 2 टाइम 500 रुपये का दवाई खाते हैं, तब जाके हमारे तबियत थोड़ी ठीक है। किसी दिन ठीक रहती, किसी दिन नहीं, तो किसी दिन बना पाती हूँ, किसी दिन नहीं बना पाती हूँ दोस्तों। ये देखिए, बीपी का 4 दवाई 4 गोली खाना पड़ता है। चार बीपी की दवाई खानी पड़ती है। आज हम बैंगन की भरता बना रहे हैं। बैंगन को हम इस तरीके से कट लगा दिए। इसमें हम बैंगन को धो के कोच के रखेंगे। इसमें हम थोड़ी थोड़ी नमक डालेंगे। पूरे बैंगन को ऐसे काटेंगे। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हम नमक डालेंगे, तो इसमें बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसके बाद हम तेल में तल लेंगे। अब हम इसको बैंगन को डाल दिए। लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और 3 टमाटर इसमें काट के डालेंगे और इतने की थोड़ी सी फली भरा। इसमें फली को हम बैंगन भरता में डालने से बहुत स्वादिष्ट बनता है। और थोड़ी सी हम थोड़ी सी जीरा डाल देंगे। इसको हम मिक्सी जार में एक बार पीस देंगे। अब हमारा ये बैंगन का भरता ऊपर दिया, इसको हम निकाल सकते। प्याज का ग्रेवी बनाएंगे। प्याज डाल देंगे। प्याज हमारा लाल हो जाएगा, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच सूखी लाल मिर्ची पाउडर। ये हमारे पीसी हुई टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और हल्दी। इसी में हमारे नमक जाएगा, स्वाद अनुसार। और हाँ दोस्तों, मैं हर एक सब्जी में, एक दोस्त मेरे को पूछ रहा था पनीर भुर्जी में कि वो क्या मसाला डालते हो मैडम, तो आज सुन लीजिए। एक काली मिर्ची और जीरा का पाउडर मैं भूंज के रखती हूँ और दाल फ्राई में भी इसी को आधा चम्मच एक चम्मच डालती हूँ। मतलब सब्जी के हिसाब से, रिगार्ड के हिसाब से हम जितना ज़रूरत है उतना ही डालते हैं, तो हमको जितनी ज़रूरत है हम उतना ही डालेंगे।
तो मैं गरम मसाला कम यूज करती, खड़ी मसाला हूँ गरम मसाला डालना होगा तो मैं डालती हूँ। बाकी एक जीरा और काली मिर्ची का पाउडर एक डब्बा में भून के रखती हूँ और हर एक सब्जी में डालती हूँ। तो ये डालने से बहुत स्वादिष्ट बनता है, हमारा दही का छाछ में भी यही हमारा बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसे में हम दही 2 चम्मच डाल देंगे, बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। इसको हिला के रहना ताकि दही ना फटे। अभी हमारा मसाला अच्छी तरीके से बन जा गया, तेल भी छोड़ दिया, इसी में हम डाल देंगे। और इसको 5 मिनट तक ढक के हम पकाएंगे, इसके अंदर मसाला घुल जाए। ऐसे कर करके इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छा बनता है। धीमी आंच में 5 मिनट इसको पका दें। ये देखो तेल छोड़ दिया, ठीक है, तेल छोड़ दिया। मैं सामने करके दिखाती हूँ, हमारा बन के रेडी। ऐसे अंदर अंदर मसाला ऐसे डाल दो, बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा रोटी भी बन के तैयार है, सब्जी भी बन के तैयार है। ये देखिए हमारा बैगन भरता रोटी बन के तैयार है, बहुत स्वादिष्ट है। उसको आप लोग भी खाइए। और प्लीज मेरे चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए। मेरा वैसी दवाई इतना चलता है, किराए घर में रहती हूँ। प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए।